फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय का ब्लॉग। में तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैंने यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सब्जी में छौंक लगा दिया है मैंने। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं साथ ही साथ में। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हमको खाना भी बनाना है, और खाना बना के बहुत सारे काम होते हैं। और अब जो है सर्दियों में जो है दिन बहुत ज़्यादा छोटा होने लगा है, तो नहीं पता चलता है कि कब शाम हो गई है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सब्जी छौंक दी है और उसको ढक दिया है, और अभी मैं जस्ट नहा के आई हुई हूँ। और जैसे नहा के आई हुई हूँ वैसे सब्जी ही मैंने भी, सब्जी में ही छौंक लगाया है, सब्जी ही हमारी बन रही है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने भी बालों में चुन्नी बांध के रखी है, क्योंकि बाल जो है हमारे बहुत ज़्यादा गीले थे, तो मैंने सोचा चलो चुन्नी बांध लेते हैं। और आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं, हमारे घर में जो है थोड़ी सी साफ सफाई भी स्टार्ट है, और अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो हमारे घर में जो है अभी थोड़ी सी साफ सफाई स्टार्ट है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो मैं भी जो है बाल अपने कंघे कर लेती हूँ। फिर फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ जो पेंट आ चुकी है दरवाजे पेंट करने के लिए। अभी दीपावली का जो है, ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, गुरुवार को दीपावली है, तो अभी जल्दी जल्दी हम लोग काम कर रहे हैं, देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये जा रहे हैं अपने काम पे लगने, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसका कलर कैसा है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं। तो अभी ये पेंट करने जा रहे हैं, तो अभी पेंट करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे हमारे दरवाजे लग रहे हैं। तो अभी ये पेंट कर लें, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये विंडो की साफ सफाई कर रहे हैं, और इस विंडो और दरवाजे में बहुत सारा समय लगा था, क्योंकि ये जो पेंट वगैरह, जो पेंट पहले कलर की थी वो चढ़ी हुई थी, तो उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा समय लगा था। और इन्होंने रेगमाल से लगा लगा के इसको साफ़ कर दिया था, और यहाँ पे ये पेंट करना चालू कर दिया है। और काफ़ी ज़्यादा, अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पेंट करनी है, विंडो वगैरह पेंट करनी है, और ये दरवाज़ा करना है। तो देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह से ही, सुबह उठते ही सारे काम चालू हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि दीपावली तक कोई काम ना बचे, और सभी लोग सोचते हैं कि अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए, अच्छे से हमारे सारे काम पूरे हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, इधर मैं भी अपना काम चालू कर दिया था, क्योंकि अभी बर्तन भी पड़े हुए थे हमारे, तो मैंने सोचा चलो बर्तन धुल लेते हैं, क्योंकि खाना पीना हमारा लोगों का हो गया था। तो उधर वो पेंट कर रहे थे, इधर मैंने सोचा चलो बर्तन धुल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ बर्तनों की जाली साफ कर रही हूँ, क्योंकि जाली गंदी हो रही थी। वैसे तो मैं साफ कर लेती हूँ, लेकिन होता क्या है कि बर्तन बहुत सारे रखे होते हैं, तो जाली को जब तक कि अच्छे से साफ ना करो, कपड़ा लगा लगा के साफ ना करो, तब तक कि अच्छे से साफ नहीं होती है। तो मैंने यहाँ सर्फ और पानी से और कपड़े से इसको अच्छे से साफ कर दिया था, क्योंकि इसको ऐसे तो मैं धुल देती थी, लेकिन क्या होता कि यहाँ पे हमारे किचन में अभी टाइल्स वगैरह नहीं लगे हुए थे, तो धुलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि पानी नीचे हो जाता तो इतनी जल्दी नहीं सूखता है। तो हमने इसको कपड़े और सर्फ से अच्छे से साफ कर रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा समय इसमें भी लगा था। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन, आप लोग देख सकते हैं, सारे बर्तन मैंने यहाँ पे रख दिए थे। कुछ बर्तन डलवे में रखे हुए हैं, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, इनको रखना मुश्किल हो जाता है। तो इधर मैं अच्छे से इसको क्लीन कर देती हूँ, और फिर बर्तन लगाऊंगी इसमें, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारे दरवाजे अच्छे से पेंट हो गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा समय इसमें लगा हुआ है, लेकिन ये आखिर हो ही गए हैं। लेकिन अभी बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, विंडो वगैरह पड़ी हुई हैं, क्योंकि उनमें कल कर लेंगे, क्योंकि आज नहीं समय मिला इनको, और काफ़ी समय इसमें ही लग गया है। और आप लोग देख सकते हैं अभी भी ये लगे हुए हैं इसी में, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको पेंट वगैरह करने में। तो यही कलर है, तो आप लोगों को ये कलर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना,
और यही कलर हम लोगों ने मंगवाया हुआ था। तो ये देखिए, इसमें अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, इसमें अच्छे से पेंट हो गई। दूसरी पेंट इसमें नहीं दिख रही है, इन्होंने दोबारा से इसमें किया हुआ है, तो ये दूसरी वाली पेंट नहीं दिख रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बर्तन भी अच्छे से साफ कर लिए हैं और अच्छे से मैंने क्लीन करके इनको रख दिया है, क्योंकि ये अच्छे से सूख जाएंगे तभी मैं इसको जाली में लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो है दरी ऐसे ही पड़ी हुई थी, उसमें जो है कवर नहीं चढ़ा हुआ था। ये धुल के मैंने रख दिए थे और धुले हुए ये रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको ही साथ साथ में इन पर चढ़ा देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये जो कवर होते हैं यही गंदे होते हैं, नहीं तो ये दरी इतनी वजन होती है तो इतनी जल्दी गंदी हो जाती है, तो ये उठाई भी नहीं उठती हैं, क्योंकि धुलना तो हमें ही पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सारे बिस्तरों पे मैंने कवर चढ़ा के रख दिया है, जैसे कि गद्दा है और ये दरियां हैं, इन पे सब बिस्तरों पे मेरे कवर चढ़े हुए हैं। तो मैं इन्हीं को धुल लेती हूँ, निकाल के आसानी होती है, तो मैं यहाँ पर इनको सिल देती हूँ। तो अभी एक और है, उसको भी मैं कर दूँगी, अभी इसको मैं सिल के रख देती हूँ, फिर उसको भी इनको सिलना है। वैसे तो बच्चे काफ़ी काम करा लेते हैं, लेकिन उनको स्कूल भी जाना होता है, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन फिर भी समय लग होता है तो वो लोग करा लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, हम जो है एक दरी जो है मैंने अच्छे से सिल के रख दी है, और दूसरी को मैं कवर चढ़ा रही हूँ यहाँ पर। तो ये भी चढ़ा लेती हूँ और इसको भी सिल के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे घर में काम होते हैं और यही लगता है कि हम जो है सारे काम कर लूं और कोई काम भी ना छूटे और अच्छे से सारे काम हो जाएं। और जब त्यौहार आता है तो ये काम और भी ज़्यादा याद आते हैं कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ताकि त्यौहार तक कोई काम ना छूटे, अच्छे से सारे काम हो जाएं। तो अभी जो है हमको सारे घर की साफ सफाई भी करनी है, अभी थोड़े थोड़े काम हो रहे हैं। वैसे भी आज दरवाजों में पेंट हो रही थी, तो वैसे भी ज़्यादा काम कुछ नहीं हो पाया है, और जो घर का काम है थोड़ा बहुत वही हो पाया है, क्योंकि घर की टाँग गहरा होती है, उनको भी साफ़ सफाई करनी होती है। तो उनको मैं बच्चों को ही चढ़ाऊँगी, तभी वो साफ़ सफाई ऊपर करेंगे। ऐसे तो क्या होता है कि हम तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, बच्चों को ही चढ़ा देंगे तो वो अच्छे से देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है बर्तन अच्छे से मैंने क्लीन कर लिए थे, अच्छे से हमारे बर्तन सूख गए थे, तभी मैंने जाली में लगा दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी मुश्किल हो रही थी बर्तन लगाने में, कुछ बर्तन अभी हमारे पड़े हुए हैं तो उनको मैं बाद में देखूंगी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। तो फ्रेंड्स, सुबह से काम करते करते शाम के 7 बज गए हैं, और अभी जो है हमको दिया बत्ती भी करना है, और अभी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मुश्किल से ये बर्तन इसमें सेट हुए हैं, और अभी देख सकते हैं कुछ बर्तन हमारे बाहर भी पड़े हुए हैं। तो अभी काफ़ी सारे बर्तन बाहर पड़े हुए हैं, उनको भी देखेंगे कैसे एडजस्ट करना है कैसे नहीं। तो फ्रेंड्स, सोचते हैं कि इतने जल्दी काम हो जाए, तो मतलब कि इन दिनों के जो दिन होते हैं ये छोटे होने लगे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, सुबह से पता ही नहीं चलता है कि कब जो है शाम सुबह हुई कब शाम हो गई। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हमको पूजा भी करना है, और मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोगों को मिलती हूँ किसी अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।